और अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां पर दिल्ली के अलीपुर की पेंट केमिकल फैक्ट्री में आग की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हुई, जो गोंडा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। ब्रिजकिशोर और शुभम की मौत का मामला, ब्रिजकिशोर का शव दिल्ली गोंडा पहुंचा, दुल्हापुर तरहर के टढ़वा गांव का निवासी है ब्रिजकिशोर। शुभम का दिल्ली में ही हुआ अंतिम संस्कार, दोनों घरों में पसरा मातम, परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों के द्वारा शव लेकर घर पहुंचा गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। 19 साल के बेटों की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। आप सभी का सबसे तेज खबर सरस्वती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से है, जहाँ पर दिल्ली के अलीपुर की पेंट और केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी, जहाँ पर कई लोगों की मौत हो गई। वहीं गोंडा जिले के दो परिवारों में भी इस घटना के बाद मातम पसर गया। जिले के दो युवक ब्रिजकिशोर और शुभम की भी जिंदा जलकर मौत हो गई। इस हादसे के बाद जहां दो परिवारों का चिराग बुझा, वहीं गोंडा में परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गोंडा जिले के दुल्हापुर तरहर गांव के टढ़वा मझले के देवता प्रसाद के तीन बेटों में से मझले बेटे ब्रिजकिशोर की झुलस कर मौत हो गई। इस परिवार में कमाने वाला यही व्यक्ति था और इसके ऊपर पूरे जिम्मेदारी पूरे परिवार की थी। बड़े भाई राजकिशोर का विवाह होने वाला था और परिवार पर इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आज ब्रिजकिशोर का शव जब घर पहुंचा तो पूरा गांव देवता प्रसाद के घर पहुंच गया। वहीं पड़ोसी गांव गड़ियनपुरवा के राजू का 19 वर्षीय बेटा शुभम भी झुलस कर काल के गाल में समा गया। शुभम का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही हो गया। उसका परिवार दिल्ली में रहता है और शुभम की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। फिलहाल हर तरफ मातम है और लोगों की आंखें भीगी हुई हैं। इस बारे में जब लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी रो रो कर पूरी कहानी बताई। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का ये पूरा मामला है, जहाँ के दो लालों की मौत दिल्ली में हुए अग्निकांड में हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम पसरा हुआ है। आपको बता दें, भारत की राजधानी दिल्ली में एक फैक्ट्री में अग्निकांड हुआ, जिसमें कई लोगों की जलकर मौत हो गई, जिसमें गोंडा जनपद के भी दो लोग शामिल हैं। इसमें से एक व्यक्ति का जब शव गांव पहुंचा तो पूरे गांव में कोहराम मच गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया, जबकि दूसरे व्यक्ति का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही कर दिया गया। दिल्ली इलाके के अलीपुर की पेंट और केमिकल फैक्ट्री में लगी आग के चलते कई परिवारों के चिराग बुझ गए। वहीं गोंडा जनपद के भी दो चिराग इस काल के गाल में समा गए। गोंडा जनपद के रहने वाले युवा मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला रहे थे और उनके परिवार में उस वक्त मातम पसर गया जब दिल्ली में ये अग्निकांड की घटना हो गई। और इस अग्निकांड में गोंडा के भी दो लाल काल के गाल में समा गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से ये परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दो लोगों की जिंदगी आग में समा गई। हमारे चाचा का लड़का था ब्रिजकिशोर, वो दिल्ली में रहता था, करीब 6 साल से काम वहाँ कर रहा है और अब की बार गया है तो 2 साल से वहीं पर परमानेंट रहा। वो पेंट की फैक्ट्री थी, उसी में काम कर रहा था और वहाँ अचानक एक दुर्घटना घट गई जिससे उसकी वहाँ डेथ हो गई। उसमें काफ़ी 15-16 लोग थे, उसमें से एक गोंडा का हमारा, एक हमारे चाचा का लड़का था और एक और था उसी। और वहाँ की सरकार जो है अभी घोषणा की है कि जो मृतक हैं उनको 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और जो घायल हैं बच के हैं उनको 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। परिवार के कितनी परिवार की स्थिति सर हमारे बहुत गड़बड़ है, इसलिए कि कोई कमाने वाला है नहीं। अभी हम ही लोग नौ युवक तैयार हो रहे थे, जिसमें एक हमारा छोटा भाई ये था जो ये वहाँ पर केमिकल की फैक्ट्री में उसकी डेथ हो गई। तो अब उसे हमारे लिए उम्मीद बहुत कम हो गई है कि हम लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे। और दोस्तों क्या अपील करोगे आप सरकार से? अपील यही करेंगे सर कि जो घटना घटी है उसमें हमें कुछ जो सहयोग हो सके दे दे और वहाँ के जो फैक्ट्री है उसमें जितने लोग
मृतक हैं घायल, उन लोगों को भी मुआवजा या उन लोग घर वालों को दिया जाए। आपके बच्चे की डेथ हो क्या है पूरा हमारे देवता प्रसाद नाम, हमारे लड़का नाम बीर किशोर नाम है, 19 साल की उम्र है और हम काम करते हैं फैक्ट्री में ही है, तो जान नहीं पाए। कल संग लावे गए तो बच्चा मिला हमारे, तो कफन दफन के मन। कब से वहाँ, कब से घर यहाँ से गया था? 2 साल, 2 साल हुए। और कितने बच्चे हैं घर में? और कमाई धमाई का? कमाई धमाई है, मुझे नहीं मदद कही दस का कमाई थे। हाँ तो जो बच्चे तो लड़के हैं वही कमा, लड़का हमारा पूरा घर चलाता वही। कितने लोगों का परिवार है आपके परिवार हमारे पास? कौन कौन? अब 6 बच्चा साथ रहे, 6 बच्चे। अच्छा, कुछ वहाँ की सरकार ने भी कुछ मदद की है? कुछ था, कुछ नहीं है। क्या अपील करोगे आप सरकार से? क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? क्या अपील करेंगे आप? हम बता दूँ कहीं जाए, क्या बताएगा। मैं उस दिन छुट्टी पे था, इसका भी तबीयत खराब था। मैंने बोला रुजा भाई, ये माना नहीं। मैं कहा शादी है घर पे, मुझे ड्यूटी जाना, पैसे पैसे भी अपनी सेठ ने बोल रखा था, मेरे से बता रहा था। फिर सुबह खाना खा के ड्यूटी गया, फिर उसके बाद 3:05 में ये घटना हुई है। जब ये घटना हुई तो हम लोग दौड़े इसे ढूंढने के लिए, तो मैं सोचा कहीं गेट वोट फाँक के निकला हो, पर ये निकला नहीं वहाँ से। हम लोग काफ़ी देर तक, बाकी पुलिस से भी रिपोर्ट किए थे, लेकिन अंदर जाने नहीं दे रहे थे। उसके बाद हम लोग काफ़ी देर, फिर 3 बजे तक का खड़े थे, उसके बाद फिर चले आए कमरे, फिर सुबह गए। और जी ये छोटा सा गेट तो था बड़ा, और उसमें 2 होते, उसमें लॉक लगा के रखता था, और आगे केमिकल की ट्रम गांजी हुई थी। अभी 1 हफ्ते 2 पहले ही इसने 1200 लीटर का केमिकल मंगवाया था, थिनर का केमिकल मंगवाया था, और उस 1-2 केमिकल का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा वो भी था इस उस बिल्डिंग, और वो केमिकल आया था बिल्डिंग कराने के, रैक बनवाने के चक्कर में उसने बिल्डिंग करा रहा था, उस बिल्डिंग के चक्कर में आग लगी है। क्या लगता है कि घटना को रोका जा सकता था अगर सेफ्टी अगर होती वहाँ? अगर वहाँ सेफ्टी होती तो रोका जा सकता, और पहले भी आदमी मना भी कर रखे थे वहाँ की, ये सब अभी मत करो, लेकिन इसने माना नहीं। तो अब कंपनी की तरफ से भी कुछ मदद? कंपनी की तरफ से क्या मदद करेगा, वो खुद ही उसी का पता नहीं कहाँ है। उसका बाप का, इस बार उसका भी बाप जला हुआ है, इसमें कह भी तो नहीं सकते, वो उसका खुद पता ही नहीं चल रहा है। आग कैसे लगी आपने बताया कि घटना आप मौके पे देखी थी, तो आग कैसे लगी? आग एक बार भक जैसे आग लगी, पूरा गेट के बाहर नालियों में से केमिकल बहता रहा, और बाकी और बिल्डिंगों को नुकसान पहुंची है। जैसे कि देखा जाए तो